हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। और ये हम लेकर के आए हैं आज ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज किस तरह से कटिंग होएगा, और ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। बहुत इजी और आसान है ब्लाउज कटिंग, सिंपल ब्लाउज कटिंग होएगा ये। और हमने इसको एक बार फोल्ड करके एक सार कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया हमने कुछ इस तरह से। अब इसकी लंबाई रखेंगे हम 16 इंच रखेंगे, लेकिन आप अपने अनुसार रखना। मुझे 16 चाहिए तो मैं तो 16 रखूँगी। और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको मेरी हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो मिलती रहे। और हमने तीरा रखा है इसका 6 इंच, और मुड्ढे रख रहे हैं हम इसके 6.5 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो। गले की जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं, 2 इंच रख रही हूँ। गले की चौड़ाई 2 इंच, और लंबाई जो रखते हैं 6 इंच और 5 इंच। फ्रंट का 5 इंच है और बैक साइड का कुछ हमने इस तरह से रख लिया। और चेस्ट है हमारे 9 इंच, 18 हम तो 9 रखेंगे। अभी हमने लंबाई रखी, आप सब बताए थे मैंने कि 16 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो। बहुत सिंपल और इजी है इसको बनाना, यानी कि कटिंग करना। अब हम इसको कट कर देंगे। पहले हम जो हमारे पास के निशान है उस पर कटिंग करेंगे। ये डबल निशान इसलिए है क्योंकि फ्रंट के गहराई में कटते हैं और बैक साइड के कम गहराई में कटते हैं। मुड्ढे भी और गला भी, गला आप अपने अनुसार रख सकते हो। ज़्यादा हैवी गहरा चाहिए आपको तो कट कर सकते हो। अब ये हमने कुछ इस तरह से कट कर लिए, और हमने एक साइड फ्रंट का रख लिया और एक साइड बैक साइड का रख लिया। बैक साइड का मैंने एक साइड कर दिया है और फ्रंट का है ये। इसके मुड्ढे हम गहरे कट कर रहे हैं, और गला हम इसका ये 6 है तो हमने इसको कट कर लिया। बीच में से हम कट कर देंगे। अब हम आस्तीन के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। अब हमने आस्तीन के लिए फोल्ड कर लिया। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो हो, सिलाई की दूसरी वीडियो मिल जाए। और घंटी जरूर दबाना, ताकि मेरी आपको हर वीडियो मिलती रहे। इस आस्तीन की लंबाई जो रखी थी मैंने 7 इंच थी। ये मेरी आस्तीन भी कट हो चुकी। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।